किसी का भी नंबर नहीं लग रहा है। सुबह से ट्राई करो और उन लोगों ने भी फोन नहीं किया है। डोंट वरी भावना, शहर के बाहर गए कैंपिंग के लिए, वहां नेटवर्क थोड़ी होगा। ठीक है, बाद में फोन करती हूँ। अरे आपने अब तक दूध नहीं पिया, पहले दूध पी लीजिए, ठंडा हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, कुर्ता गंदा हो गया आपका, आप कुर्ता चेंज कीजिए, मैं दूध लेके आती हूँ। मैं उसके बैग से कुछ निकाल रही थी तो मैंने उसके बैग में एक रिंग देखी जो वो मुझे देने वाला है। पायल तुमने जूस पी लिया? क्यों, तुम्हें अपने ग्लास में कुछ मिला क्या? नहीं, क्यों? नहीं, अरे मैंने तुम्हारे ग्लास में कुछ रखा था। समर्थ अपना ग्लास दिखाना प्लीज। क्यों, प्लीज दिखाओ ना। तुम्हारे ग्लास में भी नहीं है। अवनी तुम्हें अपने ग्लास में कुछ मिला? देखती हूँ। हाँ जरूर तुम्हारे ग्लास में ही होगा, देखो ना प्लीज। अरे हाँ ये हुई ना बात, लाओ मुझे दो जल्दी, गिव टू मी अवनी। दिखाओ। वाओ राज, ये मेरे लिए है? नहीं, ये तो अवनी के लिए है। ऑफ कोर्स पायल, तुम्हारे लिए ये रिंग, ये जगह, ये स्पेशल मोमेंट, सब कुछ तुम्हारे लिए है। समर्थ चलो यहाँ से। क्यों? इन्हें थोड़ी प्रिवेसी दो। अवनी, राज पायल को रिंग पहना रहा है और हम यहाँ क्लैप करेंगे। और वैसे भी आपको बताना है कि राज का प्रपोजल ज्यादा अच्छा है या फिर मेरा प्रपोजल ज्यादा अच्छा था। पायल, मेरी लाइफ तुमसे शुरू होती है और तुम पे ही खत्म। मैं दिन रात तुम्हें ही सोचता हूं, तुम्हें ही चाहता हूं, तुमसे प्यार करता हूं। आई लव यू सो मच। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल मुझे हमेशा याद रहेगा और आज मैं इस पल को भी यादगार बनाना चाहता हूँ। तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। मैं शायद पैदा भी इसलिए हुआ हूँ कि तुमसे प्यार करूँ, तुम्हें पा सकूँ। और अगर तुम अपने दिल से पूछोगी तो जान जाओगी कि मैं तुम्हें तहे दिल से अपना बनाना चाहता हूँ। बोलो पायल, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ राज, मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी बनके रहना चाहूंगी। अवनी, अवनी कहाँ है? अवनी, अवनी, अवनी कहाँ है? समर्थ पता नहीं अभी तो यहीं थी। गॉड, अवनी। राज तुम पायल को रिंग तो पहना दो। नहीं समर्थ, मेरे लिए अवनी को ढूंढना जरूरी है। अवनी, अवनी, अवनी।
मेरी लाइफ तुमसे शुरू होती है और तुम पे ही खत्म। क्या हो गया मुझे? क्या कर रही हूँ मैं? क्यों कर रही हूँ ये सब? ऐसी नहीं थी। क्या हो गया ये मुझे? Losing my mind. अवनी कहाँ हो तुम? अवनी! 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 अवनी कहाँ हो तुम? अवनी कहाँ है आप? अवनी! 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 राजीव भाई का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है और मैं यहाँ अपनी आंखें खोलिए। अपनी आंखें खोलो। अपनी आंखें खोलिए प्लीज। लगता है अपनी को सांप ने डस लिया। अपनी ऐसा कैसे हो गया? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है सवाल। अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अपनी अपनी प्लीज आंखें खोलो। खोलो डॉक्टर, मैं लेके आता हूँ। रुको, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। अपनी प्लीज अपनी आंखें खोलो। अपनी प्लीज। I'm so stupid. तुम्हारे साथ ही प्रैंक खेला। अपनी प्लीज अपनी आंखें खोलो। अपनी इट्स ओके, तुम उसे प्यार ना करो, मैं जी लूंगा। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अपनी कौन जहर पिल रहा है? अपनी प्लीज स्टे विद मी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अपनी तुम्हें कुछ नहीं होगा। अपनी तुम्हें कुछ नहीं होगा। ना पूछो किसी से प्यार मिलता कहाँ है, ये मासूम अनजान दिल की दुआ है। जलती ये लौ बेगरज जिन दिलों में। अभी मैंने सारा जहर निकाल दिया। अपनी अपनी आंखें खोलो प्लीज, मुझसे बातें करो। अपनी अपनी आई लव यू। अपनी अपनी आई लव यू। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अपनी राज आंखें खोलो। राज सब देखी ना।
अवनी राज राज डॉक्टर साहब इसे देखिए ना इसे क्या हुआ अवनी राज अवनी लड़के की बॉडी में भी जहर है लगता है इसने लड़की का जहर मुझसे निकालने की कोशिश की है लड़की की जान बचाने के लिए इसने अपनी जान जोखिम में डाल दी मुझे इन लोगों को एंटीडॉट देना पड़ेगा राज आंखें खोलो राज राज जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब अभी दोनों बेहोश हैं लेकिन थोड़ी देर में होश आ जाएगा ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग यहाँ पर टाइम पर पहुंच गए और मेरे बैग में दो एंटीडॉट्स थी वैसे देखा जाए तो अवनी की जान राज ने बचाई है क्योंकि इतनी देर तक अगर अवनी की बॉडी में जहर रहता तो मैटर सीरियस हो जाती एनीवे डोंट वरी टेक केयर थैंक यू ओके सुकेत जी चाहते थे कि मैं अवनी के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढूं और उन्हीं दिनों राज के जीजाजी ने मुझसे अवनी के लिए राज के रिश्ते की बात चलाने के लिए कहा अवनी ना बहुत ही इंडिपेंडेंट टाइप की लड़की है तो उसके सामने एक जेंटलमैन बनना उसे ऐसे मत ट्रीट करना जैसे वो कोई प्रिंसेस हो मैं दिन रात तुम्हें ही सोचता हूँ तुम्हें ही चाहता हूँ तुमसे प्यार करता हूँ नहीं समर्थ मेरे लिए अवनी को ढूंढना जरूरी है अवनी अवनी आके खोलो अवनी अवनी तुम्हें हुआ क्या है सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ सवाल अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं लगता है इसने लड़की का जहर मुझसे निकालने की कोशिश की लड़की की जान बचाने के लिए इसने अपनी जान जोखिम में डाल दी अरे ये कौन सी टाई पहन रहे हैं ये मैच नहीं कर रही है उतारिए दूसरी पहनिए ठीक है गांव के फोन नंबर्स और एड्रेसेस लिखे ये बहुत पुरानी डायरी है ये तो मेरे किसी काम की नहीं है इसे फेंक दूंगी उमत गांव तो वही गांव है ना जिसकी बात कल आभास कर रहा था जहां उसको वोटर लिस्ट में आपका नाम मिला है आप उमत गांव गई हैं कभी आप तो जानते हैं कि मैं अनाथ हूं मां बाबू जी के एक्सीडेंट के बाद मैं वहां कभी नहीं गई उससे पहले वही रहती थी जहां जाके आपकी यादें आपको तकलीफ दे वहां नहीं जाना चाहती I'm sorry गांव मैं तो खुद नहीं चाहता कि आप अपने अतीत को याद करें अब आपका आज इतना अच्छा है तो आपको अपने अतीत को याद करने की क्या जरूरत है सॉरी तो मुझे आपसे बोलना चाहिए क्योंकि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ अवनी तुम्हें कुछ नहीं होगा अवनी तुम्हें कुछ नहीं होगा मैं हूं ना अवनी आंखें खोलो अवनी 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 कहाँ है अवनी राज संभाल के राज समर्थ अवनी का अवनी ठीक है ना अवनी बिल्कुल ठीक है तुम फिक्र मत करो वो सो रही है मुझे उसे मिलना है उसे देख के तसल्ली होगी मैंने कहा ना राज उसे कुछ नहीं हुआ है और उसे कुछ हो भी कैसे सकता है जब तक कि तुम उसके साथ मैं अवनी से तुम्हें तभी मिलने दूंगा जब तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे कौन सा सवाल क्या तुम अवनी से प्यार करते हो
मेरे सवाल का जवाब दो राज, तुम अवनी से प्यार करते हो या नहीं? मेरा रास्ता छोड़ सवाल, मुझे अवनी से मिलना है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हो राज। तुम्हारे सवाल से भी जरूरी मेरे साथ अवनी है, दोस्त है वो मेरी। एक दोस्त को बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी, और ये सब दोस्ती में नहीं, ये सब प्यार में होता है राज। फिर तुम अवनी से बिल्कुल प्यार नहीं करते, क्योंकि तुमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। यहाँ बात मेरी नहीं, बात तुम्हारी हो रही राज, और बात सिर्फ अवनी को बचाने की नहीं, बल्कि तुम्हारी हर बात एक सवाल खड़ा करती है। अवनी के लिए तुम्हारा रिश्ता आना, अवनी की पसंद और नापसंद को लेकर मुझसे झूठ बोलना, हम दोनों में दूरी क्रिएट करना, और अचानक से पायल का तुम्हारी जिंदगी में आना, जिसका आज तक तुमने कभी जिक्र नहीं किया। बताओ क्यों? क्यों? तुम्हें जो समझना है समझो समर, तुम्हें एक्सप्लेन करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ओके? जरूरत है। पायल को प्रपोज करते हुए तुम्हारा सारा ध्यान अवनी में था, और यहाँ तक उसे रिंग पहनाते हुए भी तुम्हारे लिए जानना जरूरी था कि अवनी कहाँ है। तुम्हारा प्यार अवनी के लिए अंधा हो सकता है, लेकिन मैं साफ साफ देख रहा था कि कैसे पागलों की तरह तुम अवनी को ढूंढ रहे थे। सांप ने अवनी को काट लिया, लेकिन जान तुम्हारी निकल रही थी। मैं भले प्यार का मतलब नहीं समझता राज, लेकिन दोस्ती और प्यार के बीच का फर्क अच्छी तरह से समझता हूँ। और झूठ तो मुझसे नहीं, अपने आप को बोल रहे, क्योंकि तुम्हारा प्यार खोखला है, तुम्हारी तरह कमजोर है तुम्हारा प्यार। और तुम्हारे अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम अवनी के पास जाकर अपने प्यार का इजहार कर सको, क्योंकि तुम झूठे हो, और तुम्हारी तरह तुम्हारा प्यार भी झूठा है। अवनी के लिए मेरा प्यार सच्चा है, सच्चा मेरा प्यार। चलो, तुमने ये माना तो सही कि तुम अवनी से प्यार करते हो। हाँ, मैं अवनी से प्यार करता हूँ। लव अवनी। कब से? जब से उसे देखा है, मुझे पहली नजर में ही अवनी से प्यार हो गया था। कि उससे पहले कि अपनी दिल की बात बताता, तुम बीच में आ गए। बीच में मैं नहीं, बीच में तुम आए हो राज। अवनी ने शादी के लिए मुझसे हाँ की है। अगर हर कोई अवनी से हाँ बोलना चाहेगा तो वो हाँ ही बोलेगी। तुम्हें क्या लगता है कि अवनी तुमसे प्यार करती है? पायल का तुम्हारी जिंदगी में आना अवनी को इस बात का एहसास दिलाएगा, और वो तुम्हारे पास आकर तुम अपने प्यार का इजहार करेगी? ऐसा कभी नहीं होगा राज, क्योंकि अवनी ने मुझे पसंद किया है, वो मेरे साथ खुश रहती है, और उसकी शादी भी मुझसे ही होगी। तो तुम मुझसे दूर रहो राज। तुम्हें जो करना है कर लो समर, क्योंकि मैं जानता हूं जो प्यार होता है वह परवाह नहीं होती। I love of like no one else can, not even you. तो दूर तुम्हें उससे रहना चाहिए, ओके? राजू, तुम्हें प्रपोज किया? नहीं किया, तुम्हारी वजह से नहीं किया। मेरी वजह से? हाँ, क्योंकि तुम उसके पास नहीं थी, तुम जंगल में चली गई, वहां तुम्हें एक सांप ने डस लिया। अवनी, आप उठ गई हैं, आपको आराम करना चाहिए ना। चलिए आइए, अंदर आइए। चलिए, आपने देखा इसने क्या किया? इसने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। ऐसा ही है ये, ऐसा ही करता है हमेशा। जब भी मैं कोई प्रॉब्लम में होती हूँ,
हमेशा मेरी हेल्प करता ही है। चलिए अवनी, आप ठीक नहीं हैं, आपको आराम की जरूरत है। चलिए अवनी। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर जाना है, प्लीज। राज, देखो इस पिक्चर में तुम कितने प्यारे लग रहे हो। दिखाओ। अरे राज, ये तो बिल्कुल वैसी पिक है ना जैसे हमने क्लिक की थी, याद है वो फनी पिक्चर्स जब मेरा मूड ऑफ था और तुम आए थे मेरे पास। अवनी, आपको ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, आपको रेस्ट करनी चाहिए। अवनी के लिए मेरा प्यार सच्चा है, सच्चा है मेरा प्यार। मेरी लाइफ तुमसे शुरू होती है और तुम पे ही खत्म। ये प्रपोज करने का जो आइडिया है तुम्हारा, कोई स्पेशल मोमेंट नहीं है, तुम्हें नहीं करना चाहिए प्रपोज।